यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका द फेलो ट्रेवलर पर, और मैं हूँ प्रमोद। आज एक बार फिर टूर में हम लोग जाने वाले हैं दोबारा से कुमायूं मंडल में ही, और इस यात्रा में कई और लोग भी हमारे साथ होंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ से हमने बुलाया है अपने फ्रेंड, देखिए भंवर है हमारे साथ, सबको दिखाते हैं अभी आगे और कौन कौन जा रहा है हमारे साथ, प्रियंक और प्रदीप। तो हम चारों लोग आज जाने वाले हैं कुमायूं मंडल में, और कुछ लंबा प्लान है, अभी चलते हैं पहले ट्रेन में। तो दोस्तों हम लोग आ गए कोच में, कोच पूरी तरह खाली है, ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। तो यहाँ से आगे जाने का कुछ कुछ प्लान ऐसा है कि यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे लालकुआ, लालकुआ से फिर आगे का जैसे जैसे प्लान बनेगा हम आपको बताते हुए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन से उतरेंगे तो आगे आपको बताएंगे किस तरीके का प्रोग्राम है आगे। तो दोस्तों पहले अब यहाँ से स्टेशन से बाहर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ से आगे जाने के लिए क्या व्यवस्था होती है। अभी हम लोगों ने सोचा कि पहले यहाँ से जाएंगे कैंची धाम। तो दोस्तों हम बात कर लिए, ये 30-30 रुपए ले रहे हैं लालकुआ से हल्द्वानी जाने के लिए। चलिए चलो ऑटो में बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हल्द्वानी, अब यहाँ से आगे जाएंगे बस स्टैंड और वहाँ से देखेंगे आगे के लिए टैक्सी मिलती है या बस मिलती है। वैसे हमारी प्रायोरिटी टैक्सी ही है, चाहे वो शेयर कार हो चाहे वो अपनी बुक करा के ले जाए पूरी की पूरी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब बस स्टैंड पे, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है बस स्टैंड, और बस स्टैंड के सामने ही कई टैक्सी और टूर ऑपरेटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नैनीताल, भवाली और अल्मोड़ा के लिए। तो आप चाहें तो इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आगे आपको बताएंगे कितना किराया है, हम इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने भैया से बात कर ली है, इनसे बात हुई थी, ये यहाँ से 350 रुपये पर हेड की बोल रहे थे शेयरिंग में, लेकिन हमने इनसे पूरी गाड़ी बुक कर ली है क्योंकि हम चार लोग जाने वाले थे। तो आप थोड़ी बहुत इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग पे कोई पाबंदी नहीं है, जैसे भी हो आप बात कर लीजिए इनसे। तो चलिए दोस्तों, ये अल्टो 800 हमने गाड़ी बुक कर ली है और भैया ने हमसे 1300 रुपए लिए हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, भैया गाड़ी चला रहे हैं, भैया अल्मोड़ा से ही हैं तो इसलिए शायद ये थोड़ा सा कम में मान गए हैं, और हंसी मजाक का कोई रोक टोक नहीं है, आप कितनी भी हंसी मजाक करिए। दोस्तों दिल्ली से कैंची धाम की दूरी तकरीबन 340 किलोमीटर है, आप यहाँ आने के लिए बस टैक्सी और ट्रेन प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जिसकी कैंची धाम से दूरी लगभग 70 किलोमीटर के करीब है। तो अभी हम लोग काठगोदाम से निकल रहे हैं, अगर आप दिल्ली की तरफ से आना चाहते हैं तो काठगोदाम के लिए डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाएगी, तो आप काठगोदाम आइए और यहाँ से कोई भी कैब या फिर रोडवेज की बस में बैठिए और चले जाइए, लेकिन ज़्यादा बेहतर आपको यही होगा कि आप कैब बुक कर लें, और नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी सारी की सारी जगह के लिए आपको यहीं से आसानी से कैब मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो अभी नैनीताल हल्द्वानी हाईवे से राइट और मुड़े हैं, यानी कि ये रास्ता सीधे यहाँ से भवाली के लिए जाएगा, और भवाली से अल्मोड़ा होते हुए आगे के लिए जाता है। तो चलिए चलते हैं, रास्ता सिंगल है, रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो धीरे धीरे चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों अगर दिल्ली से आप बस में आना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी बस का किराया 380 रुपये है जो हल्द्वानी तक होगा, और हल्द्वानी से कैंची धाम तक का किराया 150 रुपये है। दोस्तों अगर आप कासगंज या कासगंज के आसपास की तरफ से आना चाहते हैं तो कासगंज से लालकुआ तक का ट्रेन का किराया 75 रुपये है, यहाँ से आगे आप 30 रुपये दे के हल्द्वानी जा सकते हैं, और हल्द्वानी से 150 रुपये दे के आप कैंची धाम तक का सफ़र आसानी से तय कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसी यात्रा जिस किसी को अपना फेलो ट्रैवलर बनाना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब भीमताल पे, जब आप अल्मोड़ा के लिए जाएंगे तो रास्ते में भीमताल पड़ेगा, ये आप मेरे राइट हैंड की तरफ देख सकते हैं, ये भीमताल है पूरा। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे और आपको पूरा भीमताल दिखाएंगे किस तरीके का है। तो दोस्तों हम लोग भीमताल पे आए हैं,
और चलिए आपको यहाँ पे भीमताल में बिल्कुल ये जो भीमताल है उसके पास में ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए चलते हैं नीचे। बोटिंग के बारे में भैया से भी बात की, भैया ने बताया 300 रुपये पर हेड है, तो 300 रुपये में आपको ये पूरा एक चक्कर लगवाएंगे, और अगर थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह करो तो कुछ कम हो जाएगा। बार्गेनिंग करेंगे आप तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप चाहें तो बार्गेनिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। हल्द्वानी में बहुत गर्मी थी और लेकिन यहाँ पे आके मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और आराम करते हैं। दोस्तों अगर आप नैनीताल आए हैं और किसी कारण से नैनीताल में बाहर के पर्यटकों के लिए नो एंट्री हो जाती है, तो भीमताल उसका एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो साइट हैं जो आप अल्मोड़ा या फिर भवाली जाते हुए कवर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। कुछ देर रुकिए, आप चाहें तो यहाँ पे पूरा एक दिन गुजार सकते हैं, अच्छी जगह है खाने पीने के लिए और रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे, तो अच्छी जगह है, कभी आइए। और नैनीताल लोग आते हैं लेकिन ऐसी जगह आसपास नहीं जा पाते, वहीं से लौट जाते हैं, तो जब आप नैनीताल आएँ तो यहाँ भी आप घूमने आ सकते हैं भवाली होते हुए। तो चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे और पहले जाएंगे कैंची धाम, उसके बाद जाएंगे अल्मोड़ा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ कैंची धाम, अभी आपको यहाँ पे दर्शन कराएंगे। और ये भवाली से 8 किलोमीटर और अगर आप नैनीताल से आना चाहेंगे तो ये 17 किलोमीटर पड़ता है, काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी लोग आते हैं नैनीताल और वहीं से लौट जाते हैं, लेकिन नैनीताल आने के बाद अगर आप भवाली होते हुए कैंची धाम घूमने आएंगे तो यहाँ पे आपको नेचर के साथ आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कैंची धाम, यहाँ पे मंदिर में अंदर चलेंगे और उसके बाद वहाँ पे दर्शन करेंगे, तो चलिए चलते आपको दिखाते हैं मंदिर में। तो देखिए दोस्तों ये है कैंची धाम, बाबा नीम करोरी महाराज का मंदिर का प्रवेश द्वार। ये देखिए दोस्तों जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे इसके नीचे एक छोटी सी नदी आराम से बह रही है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। कुछ पर्यटक यहाँ पे हाथ पैर धुल रहे हैं, कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं और आपको मंदिर में दर्शन कराएंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ मंदिर में अंदर, या पीछे देखिए ये मेन मंदिर का प्रवेश द्वार। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और जहाँ तक संभव होगा आपको दर्शन कराएंगे। जय हो बाबा। चलिए पानी की व्यवस्था है हाथ धुलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से आगे फोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ से आगे आपको इस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों कैंची धाम वो जगह है जिसकी ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी है। यहाँ पर विदेशों से आने वाले कई श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अपनी मन की शांति के लिए ध्यान भी लगा चुके हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट और अमेरिकन बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स। दोस्तों ये वो धाम है जहाँ पर लोगों की आके मनोकामना पूर्ण होती है और मानसिक शांति मिलती है। ये धाम बहुत ही पवित्र है, तो आप जब भी नैनीताल आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। अगर रहने की बात करी है तो यहाँ पर होम स्टे आसानी से मिल जाते हैं जिसका चार्ज 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में होता है। धर्मशाला के अंदर भी रुकने की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 20 दिन पहले बाई पोस्ट लेटर भेजना पड़ेगा। अगर उनका मन हुआ तो वो आपको दे देंगे रुकने के लिए, अन्यथा आपको अलग से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन हमने कर लिए, दर्शन बहुत अच्छे हुए, साथ में ये चने का प्रसाद मिला है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप नैनीताल से यहाँ पे आना चाहें तो नैनीताल से बाइक रेंट पे लीजिए या स्कूटी रेंट पे लीजिए, जो आपको 400 या 500 रुपये लेगा। वक्त यहाँ पे प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, तो इनसे प्रसाद लेते हैं। जय बाबा। तो इसी तरीके से भक्त यहाँ पे प्रसाद का वितरण करते रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है। आप आइए, नैनीताल आने के बाद यहाँ ज़रूर आएँ, मैं आपसे
कहूँगा, बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और ये देखिए इस तरीके से कितना लाजवाब मंदिर है, बहुत अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है। चारों तरफ देखिए कितने लाजवाब पहाड़ हैं। ये देखिए दोस्तों लाजवाब, छोटे छोटे मंकी बंदर यहाँ पे घूम रहे हैं और किसी को परेशान भी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए नीचे तो दोस्तों ये था कैंची धाम, जहाँ पे श्री बाबा लक्ष्मण दास जी ने अपने प्राण त्यागे थे और अपना एक अच्छा आश्रम बनाया था। आश्रम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अंदर फोटोग्राफी भी कर नहीं सकते इसलिए हमने आपको अंदर दर्शन नहीं करा पाए। आप ज़रूर आइए, बहुत शांति मिलती है यहाँ पर, बहुत रिकमेंडेड प्लेस है। तो जय श्री बाबा लक्ष्मण दास जी। और इनका एक आश्रम जिला फरुखाबाद में भी है नीम करोड़ी धाम के नाम से, तो अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो वहाँ ज़रूर जाइए, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। वो वैसे हमारे बराबर वाले ज़िले में ही है, कासगंज के पास में ही। तो चलिए दोस्तों आपको एक बार यहाँ से थोड़े से दूर से इसके दर्शन कराते हैं, बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए दोस्तों ये है कैंची धाम, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत लाजवाब। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही, आगे दूसरे ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।